रज़ावर्ल्ड के नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। इस वक्त एक ख़बर सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ वायरल हो रही है। जैसा कि आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक गुंबद है, उस गुंबद पर एक परिंदा बैठ रहा है। इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा लोग इसको सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं, लेकिन इसके बारे में अभी भी कोई शख्स नहीं जानता। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यह गुंबद है वो कहाँ का है, और जो इसके ऊपर परिंदा बैठा हुआ है वो कौन सा परिंदा है या कोई इंसान है। इसको लेकर के सोशल मीडिया पर तमाम ही तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम खुलासा करेंगे और बताएंगे ये क्या है, और ये चर्च है, मतलब चर्च है, मस्जिद है, मज़ार है, क्या है, और इस पर जो दिख रहा है परिंदे की शक्ल में वो कोई इंसान है या क्या है, यानी तमाम ही तरह की बातें लोगों के जहन में आ रही है। उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं, चैनल पर पहली मरतबा आए हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचती रहे। मेरे दोस्त और साथियों, इस वक्त दौर जो देख रहे हैं आप, काफ़ी ज़्यादा पुरखतर है, तमाम ही तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, और इस वक्त जो है 21 दिन का लॉकडाउन भी चल रहा है, जिसको लेकर के लोग अपने अपने घरों में कैद हैं, यानी कोई भी शख्स घर से बाहर नहीं निकल सकता। यहाँ तक कि जब आपको हद से ज़्यादा कोई ज़रूरी काम हो, चाहे वो आपको दवाई लेने जाना हो या आपको मस्जिद जाना हो, उसके लिए बहुत ही कम लोग घर से निकल रहे हैं। साथ ही साथ ये भी अलर्ट जारी कर दिया गया है कि लोग नमाज जो है अपने घर पर ही अदा करें। तो मेरे दोस्त और साथियों, क्या आपने कभी इस चीज़ को नोटिस किया है, या कभी अपने जहन पर जोर डाला है कि आखिर ये परेशानियाँ हम लोगों के लिए क्यों आ रही हैं? मेरे दोस्त और साथियों, सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को तो देख ही रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं एक परिंदा उड़ कर के इस गुंबद पर बैठा है। तो दोस्त और साथियों, इटली के एक चर्च पर चढ़कर इस अजीब व गरीब परिंदे ने स्लैब यानी क्रॉस पर बैठ कर अपने पैरों से हिलाल की शक्ल बनाई और उड़ गया, जिसको कि काफ़ी ज़्यादा लोगों ने अपने मोबाइल में कैद किया और लोग इसको सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा शेयर कर रहे हैं, जिसमें कि कुछ लोगों का मानना है ये कोई इंसानी शक्ल है जो कि परिंदा बन करके वहाँ पर पहुँचा है। लेकिन इसके अलावा कुछ लोगों का कहना है ये कोई वाकई में परिंदा ही है, लेकिन अगर सही माना में बात की जाए तो एक हिसाब से ये परिंदा लग रहा है, और दूसरी साइड से अगर इस पर नज़र डाली जाए तो ये कोई इंसान लग रहा है। लिहाजा इस चीज़ को अभी क्लियर नहीं कर पाए हैं कि ये इंसान है कोई या कोई परिंदा है, लिहाजा ये कुछ भी हो सकता है मेरे दोस्तों और साथियों। साथ ही साथ जिस पर यह शख्स सवार है वो इटली का चर्च बताया जा रहा है। ये खबर सोशल मीडिया के ज़रिए से आप लोगों को बता रहे हैं, और रज़ावर्ल्ड यूट्यूब चैनल इसके सच होने का दावा नहीं करता, लेकिन ये मानना ज़रूरी है मेरे दोस्तों और साथियों, यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम लोगों से नाराज़ है, जो कि इस वक्त हम लोगों को तमाम ही तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इससे ज़्यादा और परेशानियां क्या होंगी कि मस्जिदों को बंद किया जा रहा है, अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं कि कम से कम लोग मस्जिद में दाखिल हो, बाज़ार बंद कर दिए गए, गली मोहल्लों को भी बंद कर दिया गया, 21 दिन का लॉकडाउन लगा दिया गया है, जिसमें कि कहा गया है कि लोग अपने घरों में कैद रहें, 21 दिन तक कोई भी शख्स रोड पर नहीं आ सकता। ये मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाराज़गी ही है ऐसा लगता है। दूसरी तरफ दिल्ली के कई इलाकों में काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है, और मुंबई में भी काफ़ी तेज़ी के साथ बारिश हो रही है। मेरे दोस्त और साथियों, यकीन मानिए इस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से तौबा करने का वक्त है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम लोगों से नाराज़ है, हम लोगों की बढ़ती बेहयाई, हम लोगों की नाफरमानियाँ जो कि लोग कर देते हैं। मेरे दोस्त और साथियों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ कीजिए, और जो भी आप लोगों ने या हमने गुनाह किए हैं उनसे तौबा कीजिए। यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर शख्स की तौबा को कबूल फरमाता है, और तौबा करने वाले शख्स को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत ज़्यादा पसंद फरमाता है। तो मेरे दोस्त और साथियों, हम सबको चाहिए कि पाक और साफ़ रहे, मस्जिदों को आबाद करें, नमाज पढ़ें 5 वक्त। इंशाअल्लाह ताला जो वायरस चल रहे हैं हम लोगों का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, लेकिन यही है कि मेरे दोस्तों और साथियों, अपने गुनाहों से तौबा कर लें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से रोक रोक कर दुआ करें। यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी और आपकी तमाम ही लोगों की परेशानियों को दूर फरमाएगा। तो मेरे दोस्तों और साथियों,
हमारे रजावर्ल्ड चैनल में बने रहने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। बने रहे हमारे चैनल पर, हम तरह तरह की वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आते रहते हैं। मिलते हैं एक और कामयाब वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआए खैर में याद रखें।